केंद्र सरकार पर जाति आधारित गणना कार्य को रोकने का आरोप लगाते हुए जदयू ने पोल खोल अभियान के तहत वैशाली जिले के पातेपुर में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस पातेपुर जदयू कार्यालय से शुरू होकर पातेपुर बाजार होते हुए प्रखंड मुख्यालय तक निकाला गया। इस दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जदयू नेताओं ने केंद्र सरकार पर जाति आधारित जनगणना को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने साजिश के तहत जाति आधारित गणना को रोकने का प्रयास किया है। इस पोल खोल मशाल जुलूस के दौरान जदयू नेता और कार्यकर्ता हाथों में विभिन्न नारे लिखे तख्तियां लिए हुए थे। इस पोल खोल मशाल जुलूस में प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, रंजीत सहनी, प्रदेश महासचिव सह विधानसभा प्रभारी पातेपुर श्रवण पटेल, जिला महासचिव धर्मशीला देवी, महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष विपिन कुमार महतो सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ता शामिल थे। लोग ये पोल खोल जो है, जो केंद्र में जो बैठी सरकार है जी, भारी झूठा पार्टी है। उस पूरे बिहार में हम लोग का ये पोल खोल अभियान मशाल जुलूस के तहत ये कार्यक्रम पहले जिला स्तर पर हुआ, उसके बाद अब प्रखंड स्तर पर है। इस कार्यक्रम को हम लोग पंचायत स्तर पर ले जाएंगे और एक एक जनता को ये बताने का काम करेंगे। ये भारी झूठा पार्टी का पोल खोलने का काम करेंगे। ये पार्टी कोई विकास का काम नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और केंद्र सरकार जो है सिर्फ झूठ पर झूठ वादा करके लोग को जुमलाबाजी और क्या कहते हैं झूठ बोलकर और समझिए कि जनता को गलत फहमी फैलाने का काम ये केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी के बारे में विस्तार से आपको प्रखंड अध्यक्ष जी ने बताए हैं। जिस तरह जातीय जनगणना जो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कोई भी राज्य अपना राज्य सरकार इसको करा सकता है राज्य के अंदर, फिर भी केंद्र सरकार को संतोष नहीं हुआ तो वो एक प्राइवेट एजेंसी के तहत पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज कराते हैं। जो कई सारे एजेंसियां जो BJP के एजेंट के रूप में काम करती हैं, उसी अपना एक प्राइवेट एजेंसी के तहत जिसका वहाँ गवाही गुजरता है, तो क्या चाहती है भाजपा? जो है पर्दे के पीछे से वार कर रही है देश पर, लोग को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। अगर सही में भाजपा हितैषी है जनता का, अति पिछड़ा का, वंचित शोषित जमात का, तो वो जातीय जनगणना करा के दिखावे। हम लोग मानेंगे कि भाजपा नहीं हितैषी है, लेकिन भाजपा जो है से पूर्ण रूप से गफलतबाजी पार्टी अपना है। परिचय एक बार दे दीजिए। रंजीत सहनी, प्रदेश महासचिव, पातेपुर विधानसभा प्रभारी। सर, अभी आपने कैंडल मार्च निकाला और आप BJP के पोल खोलने की बात कर रहे हैं, किस पोल को खोलने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातिगत जनगणना कराने का किया, तो उस जनगणना को बीच में ही साजिश रच के भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का प्रयास किया। कि ये न्यायालय तक चले गए। सरकार को गिनती करना था जातियों का, उसमें न्यायालय जाने का क्या बात है? अपने यहाँ कौन कौन जाति के लोग रहते हैं, उनका क्या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उनको क्या लाभ सरकार दे सकती है, क्या प्लानिंग कर सकती है, इसके लिए सरकार ने अपने खर्चे से कराने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके खिलाफ में कोर्ट जाना नहीं चाहिए था। वो भी सरकार के लिए सोच रहे, जनता के लिए सोच रही है, हमारी सरकार भी जनता के लिए सोच रही है। अब जब रोक लगाने से इनकार किया हमारा माननीय न्यायालय ने, न्यायालय ने भी कहा कि राज्य सरकार जातिगत जनगणना कर सकती है और उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तब इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों को डर दिखाने लगा सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का ही करेंगे, सार्वजनिक मन से खिलाफ नहीं करते हैं और कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। तो ये जनता को ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का हम लोग पोल खोल रहे हैं कि ये दोहरे चरित्र जो ये दिखा रही है कि जनमानस के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 85% से अधिक आबादी उन कमजोर लोगों का, उन कमजोर जातियों का है, जिनके बारे में सरकार के पास स्वयं डाटा नहीं है। और अगर सरकार डाटा जुटा रही है तो फिर इसमें सर रूल कर भारत सरकार पर आप राज कर रहे हैं, भारत सरकार में आपकी सरकार है और हम छोटी पहल कर रहे हैं, हम राज्य सरकार को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, लोगों के लिए जनहित के लिए काम करना चाह रहे हैं, पता तो चले कि हमारा कौन जाति कितना है, उसको क्या लाभ दे सकते हैं। इसमें सभी जातियों का है, कुछ ऐसा नहीं है कि ना नागरा का को छोड़ा जा रहा है, ना पिछड़ा को छोड़ा जा रहा है, ना दलित को छोड़ा जा रहा है। सभी जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हैं, सामाजिक रूप से कौन लोग कमजोर कैसे हैं, कैसे पता चलेगा? BJP कह रही है सर,